संजय राव जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम है, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान नाक मुंह कान जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी। संजय जी, आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा? या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा? जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यू, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं। आप महाराष्ट्र नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे, आप लोग मुझे मारिए। क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ओ उतर आ, पर मैं तो कह कर गया कि